हाय एवरीवन, सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरा राशन 2.0 ऐप के बारे में। दोस्तों, यह एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर पहले भी था, इसको सिर्फ मेरा राशन करके जानते थे। इस एप्लीकेशन में पहले आप अपने राशन कार्ड में सीडिंग डिटेल्स को देख सकते थे। आप वहाँ पे अपने राशन कार्ड नंबर से या आधार कार्ड नंबर से आप राशन कार्ड की और भी डिटेल्स को चेक कर पाते थे। लेकिन जब से इस एप्लीकेशन को अपडेट किया गया है तो इसमें काफ़ी सारी सर्विसेज को आसान कर दिया गया है। जैसे कि अब आप इस एप्लीकेशन से अपना राशन कार्ड डिजिटली डाउनलोड कर सकते हैं। उसी के साथ आप अपने राशन कार्ड में अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। राशन कार्ड पर अगर आपका कोई सदस्य है उसको आप हटाना चाहते हैं तो वहां से हटा सकते हैं। राशन कार्ड पर आप खुद से ही KYC कर सकते हैं। राशन कार्ड पर आप अपने परिवार में कोई और सदस्य जोड़ना चाहते हैं तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन को अब मेरा राशन 2.0 एप्लीकेशन कह के अब प्ले स्टोर पर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इसको डिटेल्स में जानने के लिए इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरह का अब हो गया है। यहाँ पे आप अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर को ओपन करेंगे, उसके बाद आप टाइप करेंगे मेरा राशन 2.0 तो आपके सामने पहला एप्लीकेशन आ जाएगा। आप इसे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे देख सकते हो यह एप्लीकेशन है, गवर्नमेंट वेरीफाइड है। इसका वेरिफिकेशन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसी के साथ यह एप्लीकेशन 10 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। दोस्तों, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस एप्लीकेशन का लिंक दिया है, आप डायरेक्टली वहाँ से भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद ओपन बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने जो लॉगिन पेज आया है, इसको दो तरह से लॉगिन किया जाता है। यहाँ पे बेनिफिशियरी यूजर और डिपार्टमेंट यूजर। तो आप बेनिफिशरीज हैं। यहाँ पे आप किसी भी राशन कार्ड के सदस्य जितने भी हैं उनमें से किसी एक का आधार कार्ड नंबर टाइप करेंगे। उसके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लगा होगा उस पर OTP जाएगा, वो OTP डालकर आप लॉगिन करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे मेरे पास एक राशन कार्ड होल्डर हैं, उनका एक सदस्य का मेरे पास आधार कार्ड नंबर है, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको एक कैप्चा कोड दिखाई देगा, आप इस कैप्चा कोड को टाइप करेंगे और लॉगिन विद OTP के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे OTP सेंड सक्सेसफुली का ऑप्शन आया है, आप ओके बटन पर टैप करेंगे। दोस्तों, आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लगा है उस मोबाइल नंबर पर OTP भेजा गया है, तो यहाँ पे आप उस OTP को टाइप करेंगे। उसके बाद वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया है, आप ओके बटन पर टैप करेंगे। आपको यहाँ पे क्रिएट MPIN का ऑप्शन दिया है। दोस्तों, अगर यहाँ पे आप स्किप करते हैं तो आपको बार बार OTP देना होगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे क्रिएट नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपको एक MPIN बनाना होगा। आप आधार कार्ड नंबर टाइप करेंगे और MPIN डालेंगे तो आप डायरेक्टली उसमें लॉगिन कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप क्रिएट नाउ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप 4 अंकों का एक MPIN बनाएंगे, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे शो MPIN के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप इसे देख भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको री इंटर MPIN करना है, यानी उसको कंफर्म करना है आपने जो डाला था। उसके बाद क्रिएट MPIN के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, योर MPIN कोड हैज़ बीन सेव्ड, यू कैन चेंज योर MPIN कोड इन मेन्यू चेंज MPIN। तो यहाँ पे बताया जाता है कि आपका जो MPIN है वो सेव कर दिया गया है। अगर आप MPIN अपना चेंज करना चाहते हैं तो आप मेन्यू बार में इसको चेंज कर सकते हैं, आप ओके बटन पर टैप करेंगे। आपके सामने यहाँ पे देख सकते हो जिस भी सदस्य का आपने जो आधार कार्ड से लॉगिन किया है उस सदस्य का जो आधार कार्ड है जिस भी राशन कार्ड के साथ अटैच होगा वो राशन कार्ड यहाँ पर शो अप कर दिया जाएगा। आप यहाँ पर राशन कार्ड की डिटेल्स को देख सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पे इस राशन कार्ड को हम बैक में भी देख सकते हैं। दोस्तों, यह राशन कार्ड है, डिजिटली है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से।
बाकी मैं नेक्स्ट बताऊंगा आपको। उसी के साथ यहाँ पे आपको मेन्यू बार मिल जाता है, आप इस पर क्लिक करेंगे थ्री लाइन्स पर। यहाँ पे देख सकते हो आपको होम बटन मिला है और यहाँ पे जो होल्डर नेम दिया है यानी राशन कार्ड जिसके भी नाम पर जारी है, जो उसका राशन कार्ड का होल्डर है उसका नाम दिया होगा। यहाँ पे मैनेज फैमिली डिटेल्स, आप यहाँ से फैमिली डिटेल्स को मैनेज कर सकते हैं और राशन इंटाइटलमेंट कर सकते हो, राशन कार्ड को सरेंडर कर सकते हो। यहाँ पे राशन कार्ड को आप अगर एक जगह से दूसरे जगह रहने लगे जाके शिफ्ट हो गए तो अपना जो राशन कार्ड है वहाँ पे राशन कार्ड डीलर के पास ट्रांसफ़र कर सकते हो। उसके बाद अपना जो राशन है उसको ट्रैक भी कर सकते हो। वो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि आप अपना एम पिन भी चेंज कर सकते हो। आप जो भी डिटेल्स को अपडेट या जो भी क्रिया करेंगे वो यहाँ पे हिस्ट्री में आप उसको देख भी सकते हो। अगर आपको इस भाषा में ये नहीं आता है तो आप चेंज लैंग्वेज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसी के साथ यहाँ पे थीम को भी चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे जैसे कि मैनेज फैमिली डिटेल्स, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके राशन कार्ड में जितने भी सदस्य हैं उनकी डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पे जैसे कि बता रहा है टोटल केवाईसी पेंडिंग, तो यहाँ पे लगभग हमारे राशन कार्ड में 6 मेंबर्स हैं और उनकी जो केवाईसी है वो पेंडिंग में हुई है, मतलब पेंडिंग में पड़ी है, जबकि मैंने केवाईसी कराई थी। तो यहाँ पे देख सकते हो नॉट वेरीफाइड दिखा रहा है। उसी के साथ ऐड न्यू मेंबर्स, आप यहां पे सदस्यों को ऐड कर सकते हो। बाकी इस पर मैं काफ़ी सारी वीडियोस बनाऊंगा कि आप किस तरह से केवाईसी करेंगे, किस तरह से मेंबर्स को ऐड करेंगे, मोबाइल नंबर को ऐड करेंगे। बाकी मैं यहां पे आपको स्वैप कर रहा हूं सिर्फ। यहां पे जैसे कि राशन पेंडिंग मोबाइल अपडेट, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर इम्बेलिंग यू टू अपडेट द मोबाइल नंबर ऑफ एवरी फैमिली मेंबर, आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे। उसी के साथ यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सभी सदस्यों के नाम हैं। आप इसमें किसी एक के ऑप्शन पर व्यू करेंगे और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, सबमिट करेंगे तो यहाँ पे जो अपडेट है मोबाइल नंबर की वो प्रोसेसेस हो जाएगी। ऊपर से अप्रूव होने के बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट दिखा देगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आपकी लोकेशन के हिसाब से आप यहाँ पे दिखा रहा है कि आपके नियर में कौन कौन सी शॉप है, जो यहाँ पे जैसे कि मुझे यहाँ से राशन प्राप्त होता है और यहाँ पे इसका डिस्टेंस भी दिखाया जा रहा है कि कितनी दूरी पर है। इसको यहाँ पे लोकेट भी कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि मेरी डिस्टेंस है, इसको लोकेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसके अलावा और भी कितनी दूरी पर राशन शॉप हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इनमें से आप किसी बार भी जाकर राशन है वो प्राप्त कर सकते हैं नज़दीक में। उसी के साथ यहाँ पे सरेंडर राशन और यहाँ पे राशन कार्ड ट्रांसफ़र भी सर्विसेस को यहाँ पे ऐड किया गया है। सो दोस्तों इस तरह से आप इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी और भी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा कि आपको किस तरह से क्या आपको करना है। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें।